हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो का आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो व्यूज़, जो लाइक्स उस पर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स में ये आया कि आप ये वीडियो हिंदी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बार एक फिर से एक वीडियो आपके सामने लाया हूँ और वो हिंदी में बनेगा इस बार। और ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आया, तो मैं ट्राई करूँगा कि टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिले। खैर, वेलकम अगेन। इस बार आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं स्टडी के लिए, ये टॉपिक राजस्थान जीके में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान जीके के सिलेबस में भी आता है, आरपीएससी के हर सिलेबस के अंदर इसको जगह दी गई है, और फिलहाल ये एमपी में भी पढ़ा जा रहा है। तो एमपीपीएससी के लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो वीडियो है वो एक्चुअली है भारत सरकार अधिनियम 1919, या उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल समझे उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ये बात है कि ये अधिनियम क्यों लाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्यों लाया गया? एक बहुत बड़ा प्रेशर था। पहले आप समझ लें कि इसमें जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड है, ये दो नाम है, दो अंग्रेज अधिकारियों के नाम है, जिनमें मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय के भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत में वायसराय के पद पर थे। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस भारत सरकार अधिनियम 1919 की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली ये बात उस समय की है, ये 1919 से पहले की बात है। तो उस समय होम रूल लीग आंदोलन बहुत जोर पकड़ चुका था। इस आंदोलन के जो नरम दल के नेता थे, स्पेशली गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, वो लोग इस आंदोलन को बहुत तेजी से लेकर चल रहे थे और अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे स्वराज का, कि हमें अपना भारत जो है हमें खुद चलाना है, हमें स्वराज चाहिए इस तरीके से। हालांकि उनका जो तरीका था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था, तो वो उन्होंने आंदोलन इनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 के आसपास शुरू कर दिया गया था, उस प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों की आवश्यकता थी अंग्रेज सरकार को, क्योंकि वो भी इसमें कूद चुके थे। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय सेना की बेहद जरूरत पड़ रही थी उन लोगों को, भारत के लोगों की जरूरत पड़ रही थी, भारत के सिपाही या सैनिकों की भर्ती की गई थी। और साथ ही उस समय मुस्लिम लीग जो था, वो मुस्लिम लीग बिल्कुल भी अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं था। उसके पीछे एक कारण था कि विश्व युद्ध में इटली जो है, जो कि एक अंग्रेज मतलब ब्रिटिश कह सकते हैं हम, क्रिश्चियन कंट्री था, उसने मुसलमानों की कंट्री टर्की पर हमला कर दिया और वहाँ के टर्की के जो राजा थे उनको अपदस्थ किया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग या भारत के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष की भावना पैदा हो गई थी, और वो मुस्लिम लीग बार बार बहिष्कार कर रहे थे अंग्रेज की किसी भी नियमों का। तो ये जो प्रेशर थे, ये सारे लोग जब एक जगह हुए इकट्ठे, तो अंग्रेजों पर या ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर आने लगा, और लगने लगा कि यार भारत में यदि लंबे टाइम तक रुकना है तो हमें इनको कुछ ना कुछ मतलब इनको कहना चाहिए, आश्वासन देना पड़ेगा, तुष्टिकरण जिसको कहते हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति शुरू से ही चली आ रही है, और तुष्टिकरण का मतलब है जिसको कहते हैं भाई, हाँ भाई करेंगे 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 इस तरीके से। तो उस तरीके से अंग्रेजों ने एक रास्ता निकाला। तो इस प्रेशर की वजह से जो मॉन्टेग्यू थे, जो भारत सचिव थे, उन मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की। उस घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे, आप वीडियो को जूम करके देखें तो आपको दिखाई भी देगा, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और मैं थोड़ा लिखता भी उस तरीके से हूं। तो इस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर के चलते हुए मॉन्टेग्यू ने एक मॉन्टेग्यू घोषणा की, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ये अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई, और इस घोषणा में मॉन्टेग्यू साहब ने हमें एक मीठी गोली दी, और उन्होंने कहा अरे ठीक है भाई, आप लोग इतना शोर मचाना कम करो, हमें सपोर्ट करो, धीरे धीरे हम क्रमिक स्वशासन देंगे आपको, मतलब धीरे धीरे आपका शासन आपको दे दिया जाएगा भारतीयों का, और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। उत्तरदायी शासन की स्थापना का मतलब है कि उस समय अंग्रेज जो भारत में कर रहे थे, या भारत में जो हो रहा है, भारत में बीमारी फैल गई, जनता बीमार हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं था। राज अंग्रेज करते थे, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, जबकि कायदा बनता है कि एक सरकार जिम्मेदारी ले कि वहां की जनता किस तरीके से परेशान हो रही है, उसकी जिम्मेदारी ले उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्य करे। तो इस बात की जिम्मेदारी, तो इस अगस्त घोषणा में इस बात को ये कहा कि भाई धीरे धीरे हम आपको क्रमिक स्वशासन भी देंगे और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी भारत में की जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रेशर था, इस प्रेशर से
मॉन्टेग्यू साहब को प्रेशर झेलते हुए इस चीज को कि भाई अगर इतने बड़े भारत पर राज्य करना है, क्योंकि ब्रिटेन से भारत बहुत बड़ा था और ब्रिटिश इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि भारत जो था उस समय रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स मिला था ब्रिटिश को, तो उसको खोना नहीं चाह रहे थे। लेकिन यह भी तय है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि वो पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन अगर उनसे काम करवाना है तो धीरे धीरे उनको एक विश्वास में, जिसको कहते कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज के लिए उनको थोड़ा थोड़ा अधिकार देना, ठीक है भाई देंगे इस तरीके से। चलिए ये प्रेशर था, अब हम स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चार्ज फॉर फूड सुधार जिसे कहा जाता है, इस समय जब ये अधिनियम बना उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, यहाँ पर लिखे हुए ये सब प्रश्न है आपके लिए। उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे लॉर्ड जॉर्ज। उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ दो पद हैं, एक है भारत सचिव और एक है भारत के वायसराय। भारत सचिव जो पद था ये ब्रिटेन की संसद में था, ये भारत सचिव भारत में नहीं बैठते थे, ये बैठते थे ब्रिटेन में और अपनी एक इनके पास भारत सचिव को, और ये वही ब्रिटेन में बैठे बैठे भारत चलाने के लिए नियम बनाया करते थे। तो ये जो भारत सचिव है उस समय भारत सचिव का नाम मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू, और भारत के वायसराय इनका नाम था चेम्सफोर्ड। ये जो चेम्सफोर्ड है या ये जो वायसराय नाम का पद है, ये व्यक्ति भारत में बैठा करते थे और भारत में ब्रिटिश का सबसे बड़ा अधिकारी यही था। हम इसको अगर तुलना करें तो आप इसकी तुलना राष्ट्रपति से कर सकते हैं, राज्य में इसकी तुलना राज्यपाल से कर सकते हो, भारत में इसकी तुलना राष्ट्रपति से कर सकते हो। वायसराय उस समय ब्रिटिश भारत को चलाने के लिए सबसे बड़ा पद था और वो थे चेम्सफोर्ड। तो ये जो अधिनियम दिया गया, इस अधिनियम में कुछ चीजें, भारत सचिव जो है, भारत सचिव की शक्तियों को थोड़ा कम किया गया, भारत के वायसराय की शक्तियों को बढ़ाया गया। इसके पीछे कारण सीधा सीधा था, वायसराय ने जाके भारत सचिव को कहा, अरे भाई वहां मैं ग्राउंड जीरो पर काम करता हूं, मुझे शक्तियां दो, आप शक्तियां लेके बैठे हो, वहां कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है मैं आपको फोन करूं, आपसे कांटेक्ट करूं, वहां पर लोग मेरे को तोड़फोड़ देंगे, जैसे कि वो RRR मूवी में दिखाया है, तो उस कंडीशन में तो इमीडिएट रिएक्शन लेने के लिए पावर मुझे दो। तो यहां वायसराय की शक्तियों को बढ़ाया गया था और भारत सचिव की शक्तियों को कम किया गया। पहले भारत सचिव पर बात करते हैं, भारत सचिव की शक्ति को कैसे कम किया गया। एक्चुअली इसके जो इसका भारत सचिव जो था वो अपने कुछ लोगों को काम इकट्ठा काम लेके टीम बना के काम करता था, तो इसकी टीम में 8 से 12 लोग होते थे। तो पहली व्यवस्था तो ये चेंज की गई कि ये जो 8 से 12 लोग हैं इनमें से कम आधे लोग ऐसे होने चाहिए 1/2, यानी कम से कम 6 लोग तो ऐसे होने चाहिए जिनको भारत में रहने का अनुभव हो। तो भले वो ब्रिटिशर हो या वो इंडियंस हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके पास 8 से 12 लोगों में से आधे लोग ऐसे होने चाहिए जिनको भारत में रहने का अनुभव हो, ताकि वो बता सकें कि सर ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, जनता क्यों भड़क रही है, थोड़ा तो टच होना जरूरी है। तो पहला काम ये किया गया कि उसकी कार्यकारिणी में 8 से 12 जो लोग थे उसमें ये तय किया गया कि आधे भारतीय लोग ऐसे होंगे जो आधे लोग ऐसे होंगे जिनको भारत का अनुभव है। नेक्स्ट, भारत सचिव का वेतन, ये जो ऐश करते थे भारत सचिव, वो सारा पहले इंडियन रेवेन्यू से जाता था, भारत के राजस्व से, हमारे पैसे से, तो ये चीज खत्म की जाए। तो यहां पर ये किया गया कि इसका जो वेतन था, इसकी जो सैलरी थी, और सैलरी बहुत मोटी थी, तो ये जो सैलरी लेते थे, ये जो वेतन लेते थे, वो अब भारत के राजस्व से नहीं दिया जाएगा, वो ब्रिटिश के राजस्व से दिया जाएगा। तो ये चीज स्टार्ट कर दी गई। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। भारतीय उच्चायुक्त का मतलब भारत में इस भारत सचिव का एक व्यक्ति बैठेगा, इसका डेलीगेट बैठेगा, उस डेलीगेट को भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर कह सकते हैं, उसकी नियुक्ति कर दी गई। और हाँ, एक और चीज, भारत में कितना धन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसका खर्चा कहां हो रहा है, इन सबको देखने के लिए पहली बार CAG, आप सभी जानते हैं हिंदी में कहते हैं इसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की गई। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये कैग आज भी हमारे पूरे भारत का हिसाब किताब देखते हैं। आप सभी को पता होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग वो पद है जो संपूर्ण भारत का धन खर्चा इनकम ये वो सब कुछ देखता है।
सारी इनकम, यानी सबसे बड़ा अकाउंटेंट कह सकते हो आप पूरे भारत का, और आज भी ये पद कंटिन्यू तब से लेके आज तक चल रहा है। चलिए ये भारत सचिव की बात थी, अब बात करते हैं भारत के वायसराय की। वायसराय मैंने अभी बताया वो यहां रहते थे, भारत में रहते थे, ग्राउंड पे काम करते थे, तो उन्होंने कहा भाई शक्तियां मुझे चाहिए, बाकी तो सारी शक्तियां आपने दे रखी हैं। अब आप अगर भारतीय जनता को सरकार में ला रहे हो, भारतीय जनता को आप सरकार के अंदर बिठाना चाहते हो ब्रिटिश के साथ में, तो मुझे कुछ शक्तियां भी तो दो। ये तो एक साथ एक ही सारे के सारे एक जगह हो जाएंगे, ब्रिटिश कम हो जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो उस कंडीशन में भारत के वायसराय को दो बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तियां दी गई, आज भी चल रही हैं ये शक्तियां। पहली शक्ति है आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसी टाइम दे दी गई थी 1919 में, जो आज तक चल रही है। आज भी हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश बनाने की शक्ति है, राष्ट्रपति के साथ पास ये शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 और राज्यपाल के पास है 2, 3, 1, 2, 1, 3 ठीक है ओके। यहां दूसरी शक्ति दी गई विधानमंडल में बना कोई नामंजूर विधेयक है तो उसे पारित करने की शक्ति भी इसी के पास है, यानी अगर सारे लोग विधानमंडल में कोई कानून बना के ले आते हैं तो ये उस कानून को या मना कर देते हैं कि भाई ये नहीं कानून बनेगा तो ये उसको पारित कर सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब चेंजेस क्या हुए वो यहां पर लिखे हुए हैं, इन चेंजेस को आप देखें। भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या चेंजेस हुए, पहला भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला। हाँ ये बात और है कि ये कुछ चुनिंदा पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ही था लेकिन मिला था, तो प्रश्न यदि बने कि पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1919 अधिनियम ने दिया। दूसरा पहली बार केंद्र का बजट अलग और राज्य का बजट अलग, दोनों का अलग अलग बजट बनाने की घोषणा की गई। तीसरा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का निर्माण किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई जिसमें से एक का नाम रखा गया राज्य परिषद और दूसरे का नाम रखा गया केंद्रीय विधायिका, ठीक है। जिस प्रकार ये वही है जैसे आज हमारे केंद्र सरकार में आप देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन चल रहे हैं, यही वो दो सदन हैं जो उस समय बनाए गए थे। नेक्स्ट ब्रिटिश के जो खुद के प्रांत थे जो भारत में थे उन ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इन द्वैध शासन में दो अलग अलग विषय बना लिए गए, आरक्षित सूची बनाई गई, हस्तांतरित सूची बनाई गई, और क्लियर कह दिया गया कि आरक्षित सूची का मतलब है रिजर्व, ये अंग्रेजों के पास रिजर्व रहेंगे, इन पर तो अंग्रेज ही करेंगे जो भी करना है, इसमें जो विषय होंगे उन पर कानून यही बनाएंगे। हस्तांतरित सूची तुम ले सकते हो, इस पर तुम चाहो तो आराम से जैसा चाहो वैसा कानून बनाओ, तो जानबूझकर हस्तांतरित सूची के अंदर गांवों से जुड़े हुए छोटे मोटे पंचायती राज वगैरह के जो भी थे उनको कह दिया कि ये तुम्हारी सूची है, आराम से कानून बनाओ अपने हिसाब से चलाओ, ताकि लोगों को लगे भी कि भाई हमें धीरे धीरे स्वशासन मिल रहा है, हमारे अधिकार माने जा रहे हैं और सही मायने में उन्होंने कुछ दिया नहीं अभी। नेक्स्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई कि आप सीधे अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, ठीक है। खैर ये सारी व्यवस्था हुई। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो यहां पर लिखी हुई है। अंग्रेजों को चाहिए थे कुछ लोग पढ़े लिखे इंडियंस जो उनके साथ काम करें, क्योंकि ये पढ़े लिखे इंडियन उन्हें परेशान कर रहे थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि इनको ऐसा करते हैं कि अपन अपने साथ अपनी सरकार में ही नौकरी दे देते हैं, नौकरी अपनी करेगा तो अपने ही गुण गाएगा। दैट्स व्हाई उन्होंने 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन कर डाला, ताकि यूपीएससी का एग्जाम तो पढ़े लिखे लोग ही देंगे, और जब यूपीएससी का एग्जाम पढ़े लिखे लोग देंगे तो अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे, वो वही बोलेंगे जो अंग्रेज चाहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कह सकते हैं, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी आपके लिए तो प्रश्न तो नहीं है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पे किया गया। यहाँ कुछ और इंपोर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे वायसराय ने कहा मुझे भी बहुत सारे चेंजेस चाहिए, तो दो चेंज तो पहले कर दिए, उसको आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी, विधानमंडल में नामंजूर विधेयक को भी पारित करने की शक्ति दे दी, और उसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य भारतीय है, ये मीठी गोली है। उन्होंने कहा कि भाई कर तो रहे हैं आप लोगों के लोग मेरे साथ बैठ रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है। तो
वायसराय की कार्यकारिणी में 8 में से 3 लोग जो थे वो भारतीय रख दिए गए ताकि भारतीय शांत रहे। उसके अलावा केंद्र सूची और राज्य सूची, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र में तो द्वि सदन की व्यवस्था कर दी गई, एक राज्य परिषद एक केंद्रीय विधायिका, इसमें से ये राज्य जैसे आज हमारे पास राज्यसभा उच्च सदन है वैसे ही राज्य परिषद उच्च सदन था, केंद्रीय विधायिका निम्न सदन था जैसे कि आज लोकसभा है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है ओके, केंद्र सूची और राज्य सूची का जन्म इसी विधायक में या इसी 1919 वाले कानून में हुआ। केंद्र सूची का मतलब है जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जिन पर विधायिका कानून बनाएगी। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने यहां स्पेशली लिखी है वो ये है कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था उसमें क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के लिए, इसमें नहीं, इससे पहले वाले में 1909 की बात कर रहा हूं मैं। 1909 विधेयक जो आया था उसमें मुसलमानों के लिए, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। इन्होंने ये उसे दो कदम आगे निकले, इन्होंने उस पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का विस्तार कर दिया, उसे बढ़ा दिया और मुसलमानों के साथ साथ दो और इंक्लूड कर दिए इसमें, यूरोपीय भी और सिख भी। पृथक निर्वाचन मंडल आपको समझा देता हूं मैं, पृथक निर्वाचन मंडल में और पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत फर्क है। आज जो चल रही है व्यवस्था वो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें ये आ जाता है कि भाई ये जो एरिया है इसको रिजर्व कर दिया जाता है मुसलमान के लिए, तो इसका मतलब है वो मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा, वोट उसको हिंदू भी देंगे मुसलमान भी देंगे। ये था पृथक निर्वाचन मंडल, इसका मतलब है मुसलमान ही खड़ा होगा और उसको वोट भी मुसलमान ही देगा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं सांप्रदायिक विभाजन था, ठीक है। सांप्रदायिक विभाजन का जनक यदि पूछा जाए तो वो ये 1919 अधिनियम नहीं है, 1909 अधिनियम है। इसमें तो विस्तार मात्र किया गया, उसको बढ़ा दिया गया, यूरोपीय अलग कर दिए, सिख अलग कर दिए, 3 निर्वाचन मंडल कर दिए। ये सारी जानकारी 1919 के बारे में है, मैंने कोशिश की है कि 1919 अधिनियम की सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाए। फिर भी अगर आपको कोई पर्सनली कोई आपका सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा मैं, उस लिंक पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देरी से आया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, और उम्मीद है आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।